ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है इस वक्त बुलेटिन में, आपको बता दें इस वक्त की जो खबर आ रही है वो जबलपुर से है। कैबिनेट मंत्री लाखन घनघोरिया का पलटवार आया है, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया है, तो सियासत अब बयानबाजी जो है वो गर्म हो रही है। भाजपा के नेता मर्यादा नैतिकता को भूल चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया था विश्वास सारंग ने, कहा था कि इन्होंने आतंकवाद फैलाया है, अब पलटवार आ रहा है। कांग्रेस के नेता मंत्री ने उन पर कहा है कि वो नैतिकता भूल गए हैं। तो लाखन घनघोरिया ने पलटवार किया है विधायक विश्वास सारंग के बयान पर। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। जनता पार्टी के नेताओं को विद्वता का अधीरण हो गया है, नैतिकता, रिश्तों की मर्यादाएं, ये सारी चीजें भूल चुके। ये अब प्रमाण पत्र मांगेंगे, ये प्रमाण पत्र लाएंगे कैलाश सारंग के बेटे हैं कि नहीं, ये कौन तय करेगा? कम से कम शब्दों की मर्यादाओं में रहना चाहिए, रिश्तों की मर्यादाओं को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए संवाददाता देवजीत देव जुड़ चुके हैं। देवजीत, किस तरह से पलटवार किया है और क्या कुछ कहा? बिल्कुल श्रीकांत जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर विश्वास सारंग जी ने तंज कसा है राहुल गांधी पर कि अगर वह राखी प्रियंका गांधी से बनवाते हैं तो कोई फोटो दी जाए, उसी में पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने भी बयान दिया है और ऐसा कहा है कि फिलहाल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, बीजेपी जो है बौखलाहट गई है, बौखला गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।